नमस्कार, क्रेडेंट टीवी के अंतर्राष्ट्रीय डियर साहित्यकार सम्मेलन में आप सबका स्वागत है। आज का यह सत्र बहुत बहुत खास है, क्योंकि आज के हमारे मेहमान बहुत खास हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर अभिनेता राजेंद्र गुप्ता जी। राजेंद्र गुप्ता जी, क्रेडेंट टीवी परिवार की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम बातचीत शुरू करें, उसके पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि इसी महीने आपका एक नया धारावाहिक शुरू हुआ है सोनी टीवी पर, दोस्ती अनोखी, तो उसके लिए बहुत सारी बधाइयां स्वीकारें और शुभकामनाएं भी उसके लिए लें। और हम चाहेंगे कि आप अपने इस नए धारावाहिक के बारे में कुछ बताएं हमें। मुझे लगता है ये तो दर्शकों से पूछा जाने वाला सवाल है, मतलब मैं खुद क्या बताऊंगा अपने धारावाहिक की। इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि बहुत दिनों के बाद एक ऐसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं मैं, जो जिससे काफी हम रिलेट कर सकते हैं, जो बिल्कुल हमारे आसपास की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए सिचुएशंस हैं, कैरेक्टर्स हैं जी, वो इसकी एक जरूर स्पेशलिटी है जो काफी हमें प्रेरित भी करती है और एक तरह से चैलेंज भी करती है एज एन एक्टर, जब आपको ऐसे कैरेक्टर दिए जाते हैं जो बिल्कुल जिंदगी से जुड़े हुए हैं। एक बेसिकली रिटायर्ड कपल की कहानी है जी। रिटायर्ड लोग हमारी सोसाइटी में आप जानते हैं उनकी क्या स्थिति है, वो उनको जीवन से भी समाज से ज्यादातर रिटायर्ड किया जाता है, घर में भी समाज में भी और अदरवाइज बड़े परिदृश्य में भी वही है, सिनेमा और टेलीविजन में भी वही है कि उनको एक जैसे उनकी कोई वो एक ऑब्जेक्ट्स हैं जो रख दिए गए हैं क्योंकि वो हैं, अदरवाइज जैसे उनकी कोई भूमिका नहीं होती इस तरह से। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं और बच्चे टेक ओवर कर लेते हैं अपनी अपनी जिंदगी, तो माँ बाप ज्यादातर अकेले फ्रस्ट्रेटेड और अनवांटेड सा महसूस करते हैं, और ऐसे में दोनों एक दूसरे के ऊपर ही झल्लाते रहते हैं, उन्हीं पर अपनी फ्रस्ट्रेशंस, अपने अनवांटेड गुस्सा भी होता है, इरिटेशन बेकार की होती है बट कहीं तो निकालनी है ना, तो वो ज्यादातर, और मेल जो पुरुष है जी, वो क्योंकि कुछ हम लोगों की ऐसी परवरिश होती है पैतृक रूप से और सामाजिक रूप से कि औरत को ज्यादातर ग्रांटेड दिया जाता है, आदमी कभी उसकी स्वयं परवाह नहीं करता मगर अपेक्षाएं बहुत करता है जी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, वो झल्लाता रहता है बीवी के ऊपर, और बीवी जैसे कि हिंदुस्तानी औरत है वो सब कुछ झेलती रहती है। इस आदमी की जो बीवी है वो थोड़ा सा कभी कभी नॉटी ढंग से उसको टाल भी जाती है या वापस भी कभी देती है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक रिलेशनशिप है कि जैसे जीना यहाँ मरना, यहाँ आपस में रहना है, प्यार भी है फिर भी लड़ते झगड़ते हैं, और उसका कारण है कि उनकी अपनी जिंदगी के अंदर एक खला है, खला है कि दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे बाहर रहते हैं, बेटा विदेश में रहता है, ज्यादातर समय कम होता है, इतना आसान भी नहीं होता कि रोज जा आ सकें, और दूसरी अपने अपने कारण भी होते हैं जिसकी वजह से एक वो दूरी बनी रहती है, अपेक्षा करते रहते हैं माँ बाप की, अब बेटा आएगा, ये होगा, बेटा बहू आएंगे, बेटी आएगी, मगर वो नहीं आते हैं, तो वो जो सारी फ्रस्ट्रेशंस हैं वो सब दिखाने की कोशिश की गई है इस सीरियल के अंदर। और दूसरा
अक्सर हमारे समाज में हर आदमी को उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। मिडिल क्लास आदमी 60 तक आते आते धीरे धीरे उसके लगता है जिंदगी उसके हाथ से छूट रही है, वो फ्रस्ट्रेट ज्यादा रहता है रादर देन बहुत कंटेंटेड, मतलब ऐसा महसूस नहीं करके वो फ्रस्ट्रेशन रहती है। वो फ्रस्ट्रेशन जॉब को लेकर भी रहती है, हर आदमी को लगता है कि मुझे जितना मिलता है या जो मिला मुझे जीवन जीवन में मुझे उससे ज्यादा मिलना चाहिए था, मैं डिजर्व ज्यादा करता हूँ। कहीं ना कहीं हमारा एक हिस्सा अंदर से हर एक आदमी के अंदर कमोबेश ऐसा कुछ रहता है, तो वो भी इस आदमी की फ्रस्ट्रेशन है कि मैं जो रिटायर हुआ हूं मैं चीफ इंजीनियर नहीं बन पाया, हमेशा एक सीनियर इंजीनियर ही रहा मैं, क्योंकि मुझे चापलूसी करना नहीं आया, रिश्वत देना नहीं आया। तो खासकर वो लोग जो उस पीढ़ी के लोग जो थोड़े से आदर्शवादी रहे हैं, ईमानदारी से काम करते रहे हैं, वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं आज के इस माहौल में। ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है जी, बदलते हुए समाज के अंदर बेटी इसकी शायद एक अजीब सा अबोला है, बेटी और बाप के बीच में मुद्दत से है अबोला, उसने शायद अपनी मर्जी से शादी कर ली थी, उस बात को ये कभी स्वीकार नहीं कर पाया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, कई लेयर्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बहुत ज्यादा तो क्या बताऊं इसके बारे में जी, देखें, लेकिन मैं देख रही हूँ इस धारावाहिक को, और आपको और सुष्मिता जी दोनों को इस सीरियल में देखना बहुत सुखद है। बल्कि सच कहूँ तो इसे देखते हुए वो दूरदर्शन का जमाना याद आ जाता है, उस समय जो सीरियल देखे थे, ये कुछ वैसी फीलिंग। ऐसे अभी तरीके के किरदार निभाने के लिए, यानी आपने इतना अभिनय अब तक किया है, तो ये जो अभिनय का शौक था ये आपको बचपन से था, मतलब आपके परिवार में भी इस तरीके से कोई अभिनय किया करता था या नहीं? हमारे बिल्कुल नहीं, मैं एक टिपिकल बिजनेस फैमिली से, अग्रवाल फैमिली से आता हूं मैं, जहां आर्ट्स का और अभिनय का कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। अच्छा, क्योंकि इन चीजों को हमारे सोसाइटी में भाई अब तो फर्क पड़ गया है, मगर उस जमाने में मैं लेट 60s अर्ली 70s की बात करूं तो म्यूजिक हुआ, ये हुआ, नाटक करना, अभिनय करना हुआ, या और वो सब शौक मानते थे, प्रोफेशन नहीं मानते थे लोग। तो घर में बात भी चलती थी, अच्छा शौक है, अच्छा करते क्या है या करना क्या चाहते हो? नहीं वो तो ठीक है, एक्टिंग वैक्टिंग ठीक है, कॉलेज में भाग लेते हो, तुम करना ये क्या कर रहे हो, जिंदगी बर्बाद करनी, क्या क्या करोगे, क्या तुम्हें लगता है तुम हीरो बन जाओगे, मतलब इस तरह की बहुत सारे कुछ कहे डायरेक्टली सुने, मतलब एक ऐसा इंप्रेशन आपको पड़ता था कि आप धीरे धीरे पूरे समाज से परिवार से अकेले होते जाते हैं अगर आपके शौक इस तरह के हैं, और आपकी मजबूरी है कि आपको कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। मुझे याद है मुझे कभी भी स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल तक तो ठीक है, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल तक तो थोड़ा बहुत एक कॉमन सेंस अगर आपके अंदर है तो अच्छे खासे ठीक ठाक नंबर अपने आप ही आ जाते हैं, मुझे लगता है फर्स्ट क्लास तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज होती है अपर फोर्स। लेकिन कॉलेज में आते हुए क्योंकि स्पेशलाइजेशन में जाना होता है तो धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आप चाहते क्या हैं, या चाहते तो मैं नहीं कहूंगा, मुझे तो बहुत दिन तक ये नहीं पता चला कि मैं क्या चाहता हूं, लेकिन क्या अच्छा नहीं लग रहा, क्या नहीं चाहता, वो क्लियर होने लगता है, यार ये क्या है। वो मुझे कॉलेज में, कॉलेज की पढ़ाई करते हुए मुझे लगने लगा, और मैं जब वहां भी यूथ फेस्टिवल वगैरह में ड्रामा होते थे उनमें बड़ा मन लगता था मेरा, और टेक्निकल जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो वहां तो लगता था कुछ सर से ऊपर जा रहा है, और मतलब नींद आती थी, क्या प्रोफेसर बोल रहे हैं, लेक्चरर बोल रहे हैं, ऐसा लगता है तो अपन तो यार कुछ जानते ही नहीं, अपन तो किसी लायक ही नहीं है, मगर वहां बड़ा अच्छा लगता है जब नाटक करते हैं। तो बस इस तरह से ही कुछ स्कूल में भी इस तरह के कुछ मौके मिले थे हाई स्कूल में, कॉलेज में यही चलता रहा।
फिर भी तब तक कॉलेजेस में भी ड्रामा कोई मुख्य धारा बिल्कुल कभी नहीं बन पाती थी, खासकर मेरे उस समय में। वो एक तरह से यूथ फेस्टिवल्स में या एनुअल फंक्शंस जो होते हैं उनमें एक नाटक वाटक तैयार कर दिया जाता, अदरवाइज उससे ज्यादा कुछ नहीं। बल्कि हम लोगों को लगता था कि उस समय के स्पोर्ट्स पर इतना ध्यान दिया जाता है, सामाजिक रूप से भी राजनीतिक रूप से भी, ये आर्ट्स को लेकर या नाटक वगैरह को लेकर के बहुत ही एक जैसे सौतेला सा व्यवहार है, बिल्कुल क्या ठीक है ना यार, ये क्या है। तो खैर मुझे, मगर उसी दौरान मुझे एनएसडी का पता लगा, तो मैंने कहा मैं तो सब ये नहीं करूंगा, मैं तो एनएसडी जाऊंगा। अच्छा, घर वाले बेचारे क्या करें, मरते क्या ना करते, घर वाले ही अल्टीमेटली सरेंडर करते हैं आपकी जिद के आगे, बिकॉज आप उनका अंश हैं। चाहे कितना भी मन मुटाव हो, अल्टीमेटली उनको, चाहे वो चुप रहें चाहे लड़ें, आपको जो करना है तो क्या करेंगे बेचारे। तो खैर मैं बस फिर तो फिर आप मतलब एनएसडी में आ गए उसके बाद। जी, और एनएसडी से शायद आपने 1972 की बैच से आप पास आउट हैं। 72 पास आउट। जी, तो 72 में आप पास आउट हुए और मुंबई का रुख आपने बहुत वर्षों के बाद किया, लगभग 85 में, 85 जी, में आप मुंबई आए। ये अपने आप में ये भी एक अजीब सी, बट फैक्ट है कि मैं 72 में पास करके 85 में बॉम्बे आया, मैं 13 साल के बाद आया। जी, तो सब बीच के एक तो पहली बात कि बम्बई आना हमारे जैसे लोग सोच नहीं सकते थे। उस समय जो फिल्में बनती थी, हमें ऐसा लगता था कि बेसिकली बहुत गुड लुकिंग, वेरी स्मार्ट, टॉल, गोरे लोग, उस तरह के लोगों को यहाँ पर काम मिलता है या उन्हीं के लिए है ये दुनिया, चॉकलेटी इमेज। और एनएसडी में जाने के बाद ये भी समझ में आने लगा था कि फर्क क्या है, एक्चुअल अभिनय क्या होता है और ये स्टारिज्म या फिल्मों में जो स्टार दिखते हैं वो क्या करते हैं। उस समय बिल्कुल ऐसा लगता था नौटंकी कर रहे हैं ये लोग तो। और हमें जो सिखाया गया था, खासकर हमारे जो डायरेक्टर थे इब्राहिम अलकाजी साहब, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर आई हैव एवर मेट और आई कांट इमेजिन कोई और भी, तो उन्होंने बिल्कुल वो हमें एक फर्क भी बताया था, फर्क क्या होता है एक्टिंग का सिनेमा में जो हो रही है, या एक्चुअल रियल क्या होता है। एक एक्सपोजर भी ज्यादा वर्ल्ड थिएटर कभी कभी देखने को मिलता था, तो उससे वो फर्क तो कभी सोचा नहीं था कि वहां जाके हम क्या करेंगे बंबई में। मगर हुआ ये कि उसी दौरान हमारे कंटेम्प्रेरी मेरे से जूनियर थे, एक साल जूनियर ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह साहब, ये लोग, मगर हम कंटेम्प्रेरी थे, इकट्ठे खूब काम करते थे, नाटक करते थे हमारी प्लेज में, उन्होंने भी काम किया, उनके साथ हमने धमा चौकड़ी भी की। वो लोग, दो लोग एनएसडी पास करते ही 73 में पास करके वो इंस्टीट्यूट चले गए। अच्छा, मैं कभी भी क्लियर नहीं था करियर वरियर को लेकर कि मैंने शौक और अपने इम्पल्सिस को फॉलो किया, अपने दिल को फॉलो किया, प्रैक्टिकलिटीज मेरी जिंदगी में कभी थी नहीं, आती नहीं थी मुझे, फ्रेंकली आई वॉज नेवर, कि मैं सोच भी नहीं पाता था उसके बारे में। शायद उसकी कारण और भी थे कि मेरी जरूरत रहने खाने की उस तरह से या सर के ऊपर छत होने की थी नहीं, उस तरह से वो मेरी परेशानियां नहीं थी। आई केम फ्रॉम कंपैरेटिवली गुड बैकग्राउंड, तो एक बिजनेस फैमिली जिनकी फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज मतलब काफी, तो मालूम है कि आप घर से अलग भी हैं, आप पैसे नहीं मांग सकते, फिर भी आपको हिस्सा, एक हिस्सा होता है जहां मतलब रहने खाने की दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी। तो उस तरह से मेरी सोच कभी डेवलप नहीं हुई और प्रैक्टिकल मैंने अपने आप को कि मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसा नहीं, मैं अपने शौक को फॉलो कर रहा हूँ। एनएसडी पास करने के बाद भी मैं फ्रीलांसिंग के तौर पर काम करता रहा, एज ए डायरेक्टर ज्यादा मैंने काम किया, लोग मुझे बुलाते थे जगह जगह और अच्छा खासा एज ए डायरेक्टर मेरा बड़ा नाम हो गया था। बीच में मुझे छोड़ना भी पड़ा थिएटर क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटीज नहीं थी, और इसी बीच में थोड़ा सा शादी वादी कर ली हमने कहीं भाग कर, तो एक टाइम पे ऐसा लगा कि बच्चे के लिए आपके पास दूध के उसके लिए पैसे 30-40 रुपए का डब्बा आता था लैक्टोजन का उन दिनों, तो शायद मैं उन हालात से बहुत बड़ा सक्सेसफुल होने के बावजूद भी प्रैक्टिकल लेवल पर थोड़ा मैं निराश और फेल्योर जैसा मैं महसूस कर रहा था। क्योंकि देखिए फ्रीलांसिंग में भी काफी आपको
अपने लोगों से या उन लोगों से जो आपको काम दे सकते हैं बना के रखना पड़ता है। मुझे कभी नहीं आया कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है सीखने वाली, दुनियादारी की एक हिस्सा है। तो उससे बेखबर अपनी जिंदगी में एक दीवानगी सी चलती रहती थी। और ये नहीं कि मैं, लोग समझते थे शायद रूड है, बट एक्चुअली कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ ये था कि मुझे इम्पोर्टेंस ही नहीं लगती थी उन चीजों की, मगर बाद में महसूस किया कि वो तो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका काम दूसरा काम है। खैर, तो उस बीच में मैंने 4 साल के लिए छोड़ दी पूरी दुनिया। 77 से लेकर 81 तक मैंने पूरा, मैं बाकायदा अपनी बिजनेस फैमिली में चला गया, फैक्ट्री वैक्ट्री मैनेज करने लगा। अच्छा, मगर जैसा कि होना ही था, मुझे मालूम था कि मैं तो आई डोंट बिलोंग हियर, और मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। 81 में मैंने बाकायदा अपने फादर से कहा कि भाई हमारा तो पिताजी यहाँ, मैं मेरे लिए ये ड्रीमलेस जीवन है, आई डोंट एवर फील यू नो कि मैं एट होम, ये जो एक्टिविटी चलाना, पैसे, ये बिजनेस, लोगों से रिलेशन, मैं अपनी, उन्होंने भी तब तक शायद महसूस कर लिया था कि इतने बरसों के करने के बाद, फिर वापस आने के बाद, आज भी ये महसूस कर रहे तो ठीक है, जो तुम करो तो ठीक है। तो इस तरह से फिर मैंने फिर छोड़ दिया। तो 2 साल वापस दिल्ली में मैं थिएटर करता रहा, 81 से 85 तक 4 साल करता रहा, फिर लांसिंग करता रहा, थिएटर करता रहा। 85 में फिर मुझे लगा कि मेरा बहुत सारा समय, क्योंकि हम पानीपत में थे, मेरा होम टाउन पानीपत है, वहां से रोज दिल्ली जाना आना या कहीं और जाना, उसमें समय काफी, कम से कम डेली 5-1 घंटे आपकी जिंदगी के सिर्फ ट्रेवल में जा रहे थे। तब तक मेरा परिवार, दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, तो हमने ये महसूस किया ये समय ना तो उनको मिलता है, ना मेरे अपने थिएटर के काम को मिलता है, ये सिर्फ ट्रेवल में थकने वाली बात है, और तो हमें शिफ्ट कर जाना चाहिए यहाँ से, या तो दिल्ली ही। पता नहीं कहाँ से एक दिमाग में, अच्छा दिल्ली, अब तो, तब तक हमारे बहुत सारे साथी बंबई में आ चुके थे। 80s के अंदर बहुत सारे NSD पास आउट बंबई आए लगातार, क्योंकि 80s में वो बनी थी फिल्म गांधी में छोटे छोटे रोल्स के अंदर सबको, बहुत लोगों को NSD से दिया गया था, क्योंकि दिल्ली में भी काफी शूटिंग हुई थी। और हमारे यहाँ की इकोनॉमिक्स के उसके पर्सपेक्टिव में देखें तो अच्छे खासे पैसे भी उन सबको मिल गए कि बंबई जाके 6 महीने या साल भर आराम से रह सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं। तो तब तक एक, मतलब बंबई आना NSD वालों के लिए ऐसा लग रहा था सबके सब जा रहे हैं, बल्कि मुझे लगा सब मेरे जूनियर और साथ वाले भी जा चुके हैं, चलो वहीं ट्राई करते हैं, क्या है, अपन को, अपन ने देख लिया, अपने बस का और कुछ है नहीं जीवन में, यही है जीना मरना, तो चलो बंबई चलते। तो दिस इज हाउ मैं बाकायदा बैगेज, मतलब अपनी पत्नी और छोटे छोटे दोनों बच्चों को लेके मैं बंबई आ गया। आ गया मतलब पीछे मुड़के नहीं देखना है। तो 85 में मैं, और उसके बाद से तो सफर मतलब जारी ही है, उसके बाद तो जारी है, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। जी जी जी, मुझे बहुत उस तरह की जो उसको जो फिजिकल स्ट्रगल होती है, एक तो मेरी नेचर की वजह से कभी मैं काम मांगने नहीं जा पाया, मगर मुझे अपने आप ही काम मिलता रहा। आते ही 85 से ही मैं आया, 85 में कुछ अच्छा सीरियल्स का दौर शुरू हो गया था, जिसमें कि एक्टर्स की बहुत जरूरत थी, सिनेमा में बहुत मुश्किल होता था। तो वहां वो इसलिए क्या हुआ कि आने के 1-2 महीने बाद ही मुझे काम मिलना शुरू हो गया। और तो मुंबई आने के बाद आपका थिएटर पूरी तरीके से छूट गया, या मुंबई में भी किया आपने थिएटर? ज्यादा नहीं किया, काफी किया, 5-6-8 नाटक किए भी होंगे, मगर रेगुलर नहीं कर पाया अभी तो। शायद पिछले 5-6 साल से मैंने कोई नाटक नहीं किया, मगर करता भी रहा हूं। कई सारे नाटक यहाँ पर मैंने डायरेक्ट भी किए, एक्ट भी किया कई नाटकों में, क्योंकि आज मुझे बंबई आए हुए 36 साल हो गए हैं, तो काफी किया, बट क्योंकि इधर भी ज्यादा बिजी से उतना नहीं कर पाया जितना शायद दूसरे लोगों ने किया। जी, तो ये जो आप डायरेक्शन के फील्ड में भी आए, तो NSD में मतलब आपने एक्टिंग और डायरेक्शन इसमें दोनों में काम किया था? जी, ये भी एक, हाँ एक अलग सा ही केस है ये भी, अकेला मैंने एक्चुअली 3 साल की जगह 4 साल लगाए थे NSD में।
अच्छा हमारे समय में होता क्या था कि पहले साल एक कॉमन कोर्स होता था, हर बच्चे को वही सेम कोर्स सिलेबस होता था। सेकंड ईयर जी ऑनवर्ड उनको स्पेशलाइजेशन में भेजा जाता था। हमारे यहाँ तीन ब्रांचेस थी उस समय, एक डायरेक्शन, एक एक्टिंग और तीसरा स्टेज क्राफ्ट, उसको उस समय नाम दिया गया था। और वो हमारे टीचर्स ही तय करते थे कि आप किस विधा को ज्यादा बिलोंग करते हैं और कहाँ आपको स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। तो मुझे उन्होंने एक्टिंग में भेज दिया। जी एक्टिंग में भेज दिया, सेकंड ईयर मैंने पास भी कर लिया, लेकिन मैंने ये महसूस किया सेकंड ईयर पास करने के बाद भी कि मैं जो कुछ मैं करना चाहता हूं एज एन एक्टर, दरअसल मैं उतना कर नहीं पाता। मैं बहुत झिझक, बहुत शाई भी था, मैं एक्सट्रीमली शाई, मुझे ठीक से बात भी नहीं कर सकता, अपनी बात कहनी भी नहीं आती थी मुझे। और मैं देखता था कि हमारे यहाँ जो एक्टर्स हैं वो बड़े आउट गोइंग, एक्सट्रोवर्ट और बहुत मतलब दिखावा। तो मैंने पाया कि मैं उनके कंपैरिजन में अपने आप को बड़ा ही अलग सा, अकेला सा पाता हूं और मैं नहीं कर पा रहा हूं शायद। और मुझे मालूम है क्या होना चाहिए, बट एक्चुअली जब करने की बात आती है तो वो पूरा खुल के मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ उतना जितना वो कर पा रहे हैं। तो मैंने एक डिफीट सी महसूस की और मैंने एक स्पेशल एप्लीकेशन अपने डायरेक्टर को दी कि साहब मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं सेकंड ईयर दोबारा करना चाहता हूँ, चेंज करना अच्छा चाहता हूँ अपना स्पेशलाइजेशन एक्टिंग से जी डायरेक्शन में। इट वॉज क्वाइट ए बिग शॉक फॉर देम, बहुत बड़ी एक चीज थी। ये क्या, अपना 1 साल बच्चा खराब कर रहा है और हमने उसको एक्टिंग में भेजा क्योंकि हमें लगता है वो अच्छा एक्टर है और वहीं उसको जी बिलोंग करता है, मगर वो कहता है कि मैं क्लियर था, बिल्कुल क्लियर था। तो बाकायदा उन्होंने जो भी उनकी प्रोसेस एक होती है ऑफिशियल, उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग वगैरह एडवाइजरी बोर्ड के साथ की और अल्टीमेटली मुझे एक एक्स्ट्रा साल का मौका दिया और मैंने डायरेक्शन में आ गया। मैं तो अच्छा फाइनल जो मेरा, तो डबल मैंने सेकंड ईयर दो बार पास किया, एक बार एक्टिंग में, एक बार डायरेक्शन में, और डायरेक्शन फाइनल में। डिप्लोमा मेरा डायरेक्शन में था। तो अच्छा, जी, इसलिए मेरे को काम भी ज्यादातर पास होने के बाद डायरेक्शन में मिलता रहा। और ये भी है कि थिएटर डायरेक्टर्स को काम मिल जाता था, एक्टर्स को नहीं मिलता था, क्योंकि कहीं भी हमारे यहाँ हिंदी थिएटर, शहरी थिएटर, वो कमर्शियल कभी नहीं था, शौकिया ही था वो हमेशा से। तो डायरेक्टर को तो बुलाने के लिए कुछ थोड़े बहुत पैसे जहां से भी वो संस्था से लेते थे, सरकारों से लेते थे या कुछ करते थे, वो बुलाते थे बाहर से, एक्टर्स को कभी नहीं हाँ, बुलाते थे। तो लोकल होते होंगे। जी, तो इस तरह से मेरा जो स्टार्टिंग कैरियर है वो एज ए डायरेक्टर ही रहा। और काफी मैंने दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जयपुर में, लखनऊ में, भोपाल में, इंदौर, उज्जैन, इन सब शहरों में काफी मैंने काम किया और मुझे ज्यादातर लोग एज ए डायरेक्टर ही जानते रहे उस दौरान। बल्कि ये भी था कि बहुत यंग एकदम लड़का, क्योंकि मैंने आते ही फ्रीलांसिंग शुरू कर दिया, मतलब जी नौकरी वगैरह मुझसे होती नहीं, वो 2-4 महीने कभी कभी की भी है तो वो एक माइंड ऐसा है जो थोड़ा इंडिपेंडेंट, या छोटी छोटी बातें वो पतली है, चमड़ी पतली है, बहुत चुभ जाती है बहुत, और फिर ये नहीं दिखता क्या अच्छा बुरा। उसी दौरान एक्टिंग के भी असाइनमेंट मिलते रहे थे, तो एज एक्टर भी नाम होता रहा। बस 85 में बम्बई आ गए। जी। तो राजन जी, थिएटर किया इतना आपने, टेलीविजन से जुड़े हैं लंबे समय से, और फिल्में भी किया आपने, मतलब तकरीबन 40 साल तो हो गए आपको ये सब करते हुए। कभी कभी जी जी ऐसा बाकायदा, मन में आता है कि बहुत किया और अब कहीं बोरियत हो रही है, अब मजा नहीं आ रहा है, ऐसी कोई फीलिंग कभी होती है, या आप नहीं उतना नहीं ही ऐसी एंजॉय कर फीलिंग, रहे हैं आज भी? ऐसी फीलिंग तो कभी नहीं आई, मगर कभी कभी जी फ्रस्ट्रेशंस आई है बीच में। मैं भी एक आम इंसान हूं, वो लगातार मैं टेलीविजन करता रहा
और जो जो इत्तेफाक से जो जो मैंने टेलीविजन किया शुरू से ही, वो काफी सक्सेसफुल शोज हुए और काफी उन्होंने नाम भी कमाया, शोज ने भी और मुझे भी उसने दिया। लेकिन मेरा एक हिस्सा हमेशा से थोड़ा सा इस बात के लिए चिढ़ा रहता था कि मुझे फिल्म वाले क्यों नहीं बुलाते हैं। वो अलग बात है, मैं कभी गया नहीं, मैं गया तो टेलीविजन के लिए भी मांगने नहीं गया कभी काम, क्या वो देखते नहीं क्या नहीं, बट वो मुझे अंदर से कहीं ना कहीं बहुत चिढ़ाता था, चुभता था मुझे। उसका नतीजा ये भी हुआ, कुछ ऐसे दौर गुजरे कि मैंने बीच में टेलीविजन के वो लेने बंद कर दिए। अच्छा। बिल्कुल 2000 के आसपास की बात है, उसके बाद मैंने लिया ही नहीं, चार पांच साल कोई काम ही नहीं लिया, नहीं फिल्में करेंगे, फिल्म वाले बुलाए तो जाएंगे आप, वहां से भी नहीं मिला का। तो ऐसे दौर से आप गुजरते हैं कि ना खुदा ही मिला ना विशाले तनम। तो कभी कभी ऐसा भी लगता था यार कि अपन ने क्या कोई गलती कर दी, क्या गलत जगह आ गए क्या, अपना लेना देना नहीं। तो ऐसे दौर भी, मगर इस तरह के दौर से गुजरते गुजरते कुछ अच्छी चीजें भी हुई मेरे साथ। एक हमने 1998 में एक हमने एक बैठक, इनफॉर्मल सी एक बैठक शुरू की, मेरे घर से शुरू की हमने वो, बट नॉन कमर्शियल सी, 100% नॉन कमर्शियल, बट आर्ट और आर्टिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म कोशिश किया बनाने की, जिसके अंदर हर दो हफ्ते में हम 30, 40, 50, 60 कभी 100 लोग इकट्ठे, मेरे पास एक आंगन हुआ करता था आरामनगर बंबई में, सात बंगला में, जहां पर हम बैठते थे, लोग कुछ नाटक पढ़ते थे, कुछ गाने होते थे, कुछ कविताएं होती थी। और मुझे हमेशा से नाटक पढ़ना, कविताएं पढ़ना, वो मेरा हमेशा से शौक रहा है, शायद मेरा फोर्टे भी है। कि कई लोग कहते हैं कि बेसिकली एज एन एक्टर मतलब स्पीच के मास्टर हैं, तो वो सब मिलजुल के उसका ताल्लुक इन सब चीजों से था। तो वो हमारी, और उसमें हम काफी इन्वॉल्व हो गए, उसका नाम हमने चौपाल रखा हुआ था उस प्लेटफॉर्म, चौपाल जी जी जी, जी। हाँ। अभी भी चलती है वो, बट उतनी रेगुलर नहीं है पेंडेमिक के कारण, वो अभी तो दो साल से हमारा कोई, तो पहले 2 साल तो वो एक महीने में 2 बैठक होती थी और हम 4-5 लोग मिलके हम लोगों ने वो शुरू किया था। हमारे शेखर सेन का शायद नाम सुना होगा, जो म्यूजिक वाले, जो तुलसी कबीर और विवेकानंद वगैरह कई तरह के उन्होंने नाटक किए हैं, पद्मश्री भी उनको मिला है। वो है अतुल तिवारी, एक राइटर हैं, नाटककार हैं, एनएसडी के ही। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने चाणक्य बनाया था, ऐसे 5-6 लोग हम मिलकर हमने ये तय किया था कि हम हर कोई अपने अपने सर्कल में 5-5, 10-10, 8 लोगों को फोन कर देगा और सब लोग आए जिनका शौक है। मैं ये मान के चलता था कि मैं सब दोस्तों को नहीं बुलाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ उन दोस्तों को जिनका एक्चुअली रुझान है इस तरफ, और उन्हीं को बुलाया जाना चाहिए, अपना अपना हर एक का। तो हमने वो शुरू किया, वो बहुत कामयाब रहा, 15-20 साल तक खूब चलता रहा वो। पहले 2 साल वो एक महीने में 2 होती थी बैठक, और उसके बाद फिर हमें लगा बहुत ज्यादा हो गया, हम लोगों का लगता मेन काम ये बन गया, दूसरा कोई काम हमें नहीं करना है, तो फिर हमने उसको महीने में एक कर दिया। मगर वो संडे को अक्सर 2nd या 3rd संडे को महीने की होती थी, जिसमें कम से कम 4 घंटे 4.5-5 घंटे और अच्छे नामी लोग भी आते थे, किसी किस्म का कोई इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं था। जगजीत सिंह आते थे हमारे यहाँ, निदा फाजली आते थे, गुलजार साहब, मतलब कौन नहीं, पुष्पा भारती जी, तो इस तरह के वो हमें, उसने काफी एक तरह की ऊर्जा भी दी कि आप उस तरफ से अगर थोड़ा सा आपको लगता है तो आपके अपने दूसरे भी चीजें हैं जिनमें आप इन्वॉल्व होकर अपने आप को, स्वयं को खुश रख सकते हैं और अपना सुकून कहीं एक जो भी आपके कलाकार के अंदर की वो है, वो यहाँ भी तो काफी हद तक फिर वो चलता रहा जी। फिर दोबारा सीरियल्स का 2011 के अंदर एक बड़ा सीरियल मुझे और मिल गया, जिसको मैं अक्सर सीरियल्स जब जब किए मैंने, मुझे याद आ रहा है मैं थोड़ा सा अनमने भाव से उनको एक्सेप्ट किया था। चंद्रकांता बहुत हिट में सीरियल था, उससे पहले इंतजार मेरा स्टेशन मास्टर का बहुत पॉपुलर था। मुझे याद है जब जब मैंने सीरियल्स एक्सेप्ट किए वो बड़े थोड़े अनमने भाव से, मगर वो इत्तेफाक से सबके सब बहुत बहुत पॉपुलर हिट रहे। बिल्कुल इसी तरह से ये मैं बता रहा हूँ, जो कौन सा ये
चिड़ियाघर 6 साल चलता रहा। हाँ, चिड़ियाघर, बाबूजी चिड़ियाघर जी, पूरा परिवार देखता था। कॉमेडी थी बेसिकली। हाँ। मगर फिर भी काफी कुछ उसके अंदर। फिर मैंने वो 2017 में बंद हुआ। उसके बाद मैंने कहा नहीं, अभी नहीं करूंगा, थक गया मैं। सीरियल में दूसरी समस्याएं भी होती हैं कि आपको रोज शूटिंग करनी पड़ती है। एक तरह की नौकरी आप ज्वाइन कर लेते हैं, रोज की 10 घंटे की, 12 घंटे की, 8 घंटे की। ज्यादातर एक्टर्स की 12 घंटे की ड्यूटी होती है, ऊपर से जाना आना सब मिला के 15 घंटे में बेचारे लौट के आते हैं अपने घर। मैं थोड़ा कम समय देता था, ऐसा मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहता था, तब भी मुझे भी 12 घंटे सब मिला के 10 घंटे वहां, दो घंटे जाना आना, ये वो। मगर फिर मैंने 4-5 साल कुछ नहीं किया। अभी ये वापस फिर एक क्या होता है, एक आप काम कर रहे होते हैं, एक नियति कुछ करवा रही होती है आपसे। बिल्कुल, वो तो है। अभी आपने ये जो बात कही कि जो सीरियल इस समय है, मतलब हम देखते हैं कि सप्ताह में 5 दिन 6 दिन सीरियल आते हैं और लगातार उसके लिए आपको काम करना पड़ता है, जबकि टीवी के शुरुआत में हम देखते थे कि कोई भी सीरियल वो हफ्ते में एक ही दिन आया करता था और फिर दूसरा एपिसोड दूसरे हफ्ते में आता था। तो आपको क्या लगता है, मतलब हफ्ते में एक दिन जो सीरियल आता था वो, और अब जो हर रोज आ रहे हैं सीरियल, तो उसके कारण कहीं काम की गुणवत्ता या डेडिकेशन, इनमें कहीं कोई समझौता हुआ है? आप डेफिनेट क्या अंडरस्टूड है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली। देखिए, वो जब आप बात कर रही हैं जिसकी, वो था दूरदर्शन का दौर, जहां दूसरा कोई चैनल नहीं था। जी बिल्कुल। उसके बाद शायद 90 के आसपास इन्होंने प्राइवेट चैनल्स को छूट दे दी। अब प्राइवेट चैनल कोई भी क्यों खोलेगा, पैसा बनाने के लिए ना। वो कोई देश सेवा या कला की सेवा के लिए नहीं खोल रहा है। बड़ा प्योर है, क्लियर है, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, बहुत ऑब्वियस है। वो कर रहा है क्योंकि उसको पैसा कहां से आ रहा है। जब दूरदर्शन बनाता है तो उनकी तो अलग सोच है एकदम। जब ये प्राइवेट चैनल्स हैं तो वो पैसे के लिए कर रहे हैं, और पैसा उनको कहां से आता है? दुनिया से पैसा आता है। विज्ञापन को दिखाने के लिए सिर्फ आपको कोई ऐसी चीज देनी पड़ेगी कि बार बार विज्ञापन भी बीच में हम चला सके। उस विज्ञापन के लिए ये बनाए जाते हैं, दूसरे जो भी प्रोग्राम होते हैं, तभी वो चैनल चलते हैं। और जब उनको लगा इसके अंदर इतना पैसा है, और एक के बाद आज देखें शायद मैं तो गिन नहीं सकता, सैकड़ों चैनल्स हैं, इसका मतलब कितना पैसा है। इसका मतलब अल्टीमेटली वो जो माल बेच रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं, उनको अपना माल बेचने के लिए कितना वो खर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एक पैसे की चीज को उनको 1 रुपए में बेचनी होती है, तभी उनके प्रॉफिट बनते हैं। उस प्रॉफिट में से ये सब कमाते हैं, चैनल भी, चैनल के बाद प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद एक्टर, या नीचे का स्पॉट बॉय भी। तो वो पूरी प्रोसेस पैसा बनाने की एक प्रोसेस है। उसके अंदर बाई दी भी कोई चीज अच्छी बन गई, सोने पे सुहागा। बहुत बढ़िया। आप देखिए, कई सीरियल शायद आपको उतने पसंद नहीं होंगे अगर आप देखें कभी, मगर वो 15-15 साल से चल रहे हैं। क्योंकि उनको वो विज्ञापन वालों को, चैनल वालों को, सबको पैसा मिल रहा है, और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि इसको बंद करेंगे और नया बनाएंगे तो उसमें करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है और पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। तो सारा खेल वहां से निर्धारित होता है। और इतना हुआ कि वो एक हफ्ते में एक आता था, अब वो 1 हफ्ते में 5 आते हैं, 6 भी आते हैं, कोई कोई सीरियल जो बहुत पॉपुलर होता है उसमें 6 चलाओ, बिकॉज उनको उतना ही प्रोपोर्शन में एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा कमाने के लिए। अब जब वो बनाएंगे तो क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही, इन द सेंस आपके पास समय ही नहीं है। आप तो छापोगे फटाफट, बस नोट जैसे छापने हैं ऐसे आपको सीरियल छापोगे। बिल्कुल। तो पूरा गणित उस तरह का है। और ये तब से यही चीज हमारे पूरे सोशल समाज में, राजनीति में, हर जगह रिफ्लेक्ट हो रही है कि पैसा ही सब कुछ निर्धारित कर रहा है। बाकी हम आप आर्ट वाट की बातें करते रहते हैं, ऐसे सेमिनार करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, बस इससे आगे कुछ नहीं है। पूंजी ही फिर कर रही है। ये दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, ख्याल अच्छा है। जी जी, हम भी इसी माहौल के अंदर अपना बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला सीरियल कंपैरेटिवली वही एक कोशिश है।
कोशिश है। जी। अच्छा राजेंद्र जी, हम आपको अभिनेता के रूप में तो अपने छुटपन से देखते आ रहे हैं, क्योंकि जी टीवी की जब शुरुआत थी तब मैं भी तकरीबन वही 6वीं 7वीं में पढ़ा करती थी, और उसके बाद से हम देख रहे हैं आपको। लेकिन बीते कुछ वर्षों में हमने आपका एक और नया रूप देखा है। हमने आपको हिंदी कविताओं के भी बहुत नजदीक देखा है बीते कुछ सालों में, और मैं लगातार देख रही हूं कि आप अपनी पसंद की नामी अनामी कवियों की कविताओं का बहुत प्रभावशाली पाठ करते हैं, और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी आप डालते हैं, और उस बहाने कई अच्छी कविताएं भी हमें सुनने को मिलती हैं। तो कविता, हिंदी कविता के प्रति आपकी ये जो रुचि है, ये पहले से थी या कैसे ये? नहीं, ये रुचि मुझे ड्रामा से ही मिली है। मैं कभी हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं रहा, मैं जानता भी नहीं, बिल्कुल बहुत बिल्कुल नहीं जानता। मगर जो हमारा ड्रामा स्कूल, दिल्ली बेस्ड जो थिएटर है, खासकर ड्रामा स्कूल की हमारी जो पढ़ाई है एनएसडी की, वहां जो नाटक होते हैं ज्यादातर वो लिटरेचर से आए हुए नाटक होते हैं। और उसी दौरान मुझे एक नाटक को पढ़ने का मौका मिला एनएसडी में, जिसको मैंने बाद में कालिदास समारोह में डायरेक्ट भी किया था, अंधा युग। अंधा युग नाटक पूरा काव्य नाटक है, जी बिल्कुल। नाटक बहुत जबरदस्त है, बहुत ड्रामा है उसके अंदर, बहुत इमोशंस हैं, बहुत विचार हैं तरह तरह के, मगर उसके अंदर उसकी पोइट्री भी बड़ी सशक्त है। और वो मैंने प्ले 72 में पास करके 74 में मुझे वो प्ले डायरेक्ट करने के लिए मध्य प्रदेश कला परिषद ने उज्जैन भेजा था, बुलवाया था, जहां मैंने वो उज्जैन के बच्चों के साथ उस प्ले को डायरेक्ट किया। तो वो शायद वो है पहला मेरा एक तरह से इंटरेक्शन कविता के साथ। उसके बाद एनएसडी के दौरान कभी कभी हम लोगों ने नाटक के अलावा कविता पाठ भी हम लोगों ने एनएसडी में किए। रघुवीर सहाय की कविताएं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं, और कुछ लोगों की बाकायदा एक शो 50-60-100 लोगों के सामने, 3-4 एक्टर्स अलग अलग कवियों की कविताएं पढ़ रहे हैं, कोई एक पढ़ रहा है, फिर दूसरी उसने, फिर तीसरी इसने, इस तरह से। वो भी मुझे लगा कि मुझे कविता, क्योंकि कविता कम शब्दों में अपनी बात को बहुत स्ट्रांग तरीके से और बड़े संवेदनशील तरीके से कहती है। कभी कभी नाटक में ऐसा लगता है बहुत नाटकीय नाटकीय ज्यादा है, वर्बोस है शब्द, बहुत कमाल के जो अच्छे नाटक है उनमें तो इतना नहीं भी होता, बट कई जगह लगता है इतने ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं है। तो उस वजह से शायद वो मेरा बीज था कि जब मुझे लगा कि नहीं, ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जैसे मुझे नाटक, मैंने बताया ना, अच्छा लगता था काम करना, तो मुझे नाटक में काम करते करते कविता का तो अलग एक मजा है। जी तो वहां से वो पढ़ा, फिर अंधा युग ने उसको मुझे और ज्यादा मेरे अंदर उसका वो पैदा किया। लेकिन ये जो कविताएं पब्लिक उसमें पढ़ना, कविता या कहानी, कभी कभी लोग मुझे कहानी पढ़ने के लिए भी बुलाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है। तो वो एक्चुअली शायद जो हमने चौपाल, मैंने बताया ना आपको, जो शुरू की, उसके अंदर भी वो उस तरह के बहुत सारे, क्योंकि अब हमारे नाटक तो किया नहीं जा सकता 2 घंटे का या 1.5 घंटे का, उस इनफॉर्मल बैठक के अंदर तो कोई कविताएं पढ़ रहा है कोई, तो मुझे मेरा कविता और कहानी पढ़ने पाठ की तरफ मेरा रुझान होने लगा, और मैं वो करने लगा और मुझे बड़ा मजा आने लगा। और जब आपको फीडबैक मिलता है, लोगों को पसंद भी आता है, तो शायद वो और एक तरह की हौसला अफजाई होती है आपको। तो वो ऐसी ही है, जैसे दोनों एक दूसरे का साथ देते चले गए, कुछ इस तरह का। और फिर ये पिछले 3-4 साल से मैं थोड़ा सा एक्टिव हुआ फेसबुक पे,
जो जिससे मैं काफी डरता था, मुझे समझ में नहीं आता कैसे क्या करना है, कैसे कैसे लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सहज हुआ पिछले 3-1 साल में, मैंने देखा बहुत लोग कि कविताएं डालते हैं, कहानियां डालते हैं, लिटरेचर, मतलब इस हमारी किस्म के है पर शौक रखने वाले भी सैकड़ों हजारों लोग हैं यहाँ। तो मुझे और मजा आने लगा, फिर अपने आप ही आप जो चीजें पढ़ते हैं वो आपके सामने और आती रहती हैं, फिर उनसे थोड़ी थोड़ी फेसबुक फ्रेंडशिप भी होने लगती है। तो इस तरह से ही चल निकला और बड़ा मजा आता है। मैं अपने फिर एक और चीज है इसके अंदर, क्यों करता हूं मैं ये, कहीं ना कहीं मेरा एक्टर ही है जो तलाशता रहता है अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम। कविता पाठ मेरे लिए एक्टर ही है मेरा, जो कविता पाठ करता है, और अगर वो आपको अच्छा लगता है तो उसके पीछे मेरे एक्टर का बहुत सारा देन है उसके अंदर। इसीलिए क्योंकि मुझे उसका शब्द का, मेरे लिए अभिनय मतलब हर शब्द जिंदा होके आप तक पहुंचना चाहिए, आपके साथ रिलेट होना चाहिए, हाँ, मतलब यहाँ वो दोनों मुझे लगता है पूरक कि हैं चाहिए एक दूसरे के। जी। तो वो कविता भी फिर वही की वही है, अगर वो मतलब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है, अगर वो पहुंची नहीं बात मेरी आप तक तो बेकार है मेरा पढ़ना। और मैं जानता हूं ये भी कि वो 100% नहीं होता, मगर कोशिश अगर रहे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचता ही है। नहीं, हम तो आपके जितने भी सोशल मीडिया पर कविता पाठ के जो वीडियो आते हैं उन्हें तो मैं खास देखती हूँ, और हम बहुत एंजॉय करते हैं। बल्कि कई बार होता है कि कविता एक सामान्य पाठक एक नजर में पढ़ता है तो वो उसे उतनी प्रभावित नहीं करती, लेकिन एक अच्छे पाठ के बाद कविता को देखने का एक नजरिया बदलता है, और वो काम आप बखूबी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पाठ को सुनने के बिल्कुल बाद एक व्यक्ति सहज ही हिंदी कविता से और नजदीक से जुड़ना पसंद करता निश्चित है। रूप से, जी मुझे तो ऐसा महसूस हुआ है जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं था कविता से, लिटरेचर से, वो लोग जुड़ने लगे हैं, वो जी कविताओं में इंटरेस्टेड हुए हैं, क्योंकि जी पढ़ने का बहुत कम रह गया है। और अदरवाइज भी जितना कमर्शियलिज्म हमारे पूरे समाज पे, हमारी सोच पे चढ़ गया है, कविता अविता कौन, अंटिल आपको स्कूल में बाकायदा आप उसमें शौक रखते हो, आम आदमी को कोई जी मतलब नहीं, वो भी इंटरेस्ट जी होने लगता है अगर उसको ठीक से आप अपना विचार कविता पहुंचा सके उस पर। और मुझे लगता है इसमें कविता पाठ बहुत बड़ा एक सशक्त हथियार हो सकता है, प्लेटफॉर्म्स जी पर जी कविता पाठ। तो बात क्योंकि कविता पाठ की चल रही है, हिंदी कविताओं की चल रही है इस समय, हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं हमारे दर्शकों को। एक्चुअली क्या होता है, मैं पढ़ दूंगा, जी मैं किताबों से बहुत कम पढ़ पाता हूँ क्योंकि वो हाँ इमीडिएट है ना, मिल जाता है आपको फोन पर, फेसबुक में या व्हाट्सएप पे, तो वो बड़ा इमीडिएट होता है, और तो मेरे पास ज्यादातर कविता मैं करता हूँ वो मुझे यहाँ मिलती हैं, और वो फोन में ही सब कुछ रहता है, और फोन में आपसे बात करते हुए मैं पढ़ नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी अब जी क्या आप सुनना चाहेंगे, आप बताएं। जो आपको पसंद है आप वही सुनाएं आप हमें, वही गुलजार की, दर्शकों को पसंद गुलजार, आएगा। गुलजार पसंद है आपको? हाँ जी, बिल्कुल पसंद है गुलजार। किसे, दर्शक गुलजार देखिए, साहब मुझे किसे क्या लगता पसंद है, नहीं दर्शक को है वही पसंद आता है जो आप और मुझे पसंद आता है ना, जी जो हमें और आपको पसंद आएगा वो दर्शकों को आएगा ही आएगा, अगर हम अंदर से दिल की सही बात कर रहे हैं, ईमानदारी से, पाएगा ही आएगा। नहीं, बिल्कुल तो मैं आपके अवश्य वो पढ़ गुलजार सकता हूँ साहब को गुलजार, सबको अगर आप पसंद है। कहें। हाँ कहें, बिल्कुल पढ़िए अच्छा, जी, सुनाइए। कुछ दो तीन छोटी छोटी कविताएं उनकी कोशिश करते हैं हाँ पढ़ने की। गुलजार साहब बड़े अलग किस्म के शायर हैं आप, बहुत ही अलग सी कुछ कविताएं बिल्कुल होती हैं, अलग सा ही उनका अंदाजे बयां होता है, अलग से शब्दों का चयन भी बड़ा अलग सा होता है, वो अपने किस्म के यूनिक, अकेले है ना, हाँ, उस इसमें तरह कोई से शक वो नहीं। है। तो ये कविता है, इसका शीर्षक है वो जो शायर था, वो जो वो शायर जो था, शायर था चुप सा रहता था,
वो जो शायर था चुप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था। वो जो शायर था चुप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था, आंखें कानों पे रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें। आंखें कानों पे रख के सुनता था गूंगी खामोशियों की आवाजें और जमा करता था चांद के साए, गीली गीली सी नूर की बूंदें। जमा करता था चांद के साए और गीली गीली सी बूंदें ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते। ओक में भर के खड़खड़ाता था रूखे रूखे से रात के पत्ते, वक्त के इस घनेरे जंगल में कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। वक्त के इस घनेरे जंगल से कच्चे पक्के से लम्हे चुनता था। हाँ वही अजीब सा शायर रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की थोड़ी चुमा करता था। रात को उठ के कोहनियों के बल चांद की थोड़ी चुमा करता था, चांद से गिर के मर गया है वो। चांद से गिर के मर गया है वो, लोग कहते हैं खुदकुशी की है। वो जो शायर था चुप सा रहता था, बहकी बहकी सी बातें करता था, चांद से गिर के मर गया है वो, लोग कहते हैं खुदकुशी की है। जी क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब कविता और अद्भुत पाठ आपका। बड़ा आनंद आया, देखिए आपसे बातें करते करते वक्त बिल्कुल मुट्ठी में से रेत फिसलती है उस तरीके से फिसल रहा है। पिछले 48 कितना समय है हमारे पास? आप कहें, हम लोग 48 मिनट से साथ साथ हैं, समय कैसे निकल रहा है पता ही नहीं चला। आप कुछ और सुनाना चाहेंगे? ये तो आप बताएं, मेरी तो छुट्टी है और मैं तो अपने अपनी पसंद का काम कर रहा हूँ। आपसे बात करना तो हमें भी पसंद है। अवश्य आप कुछ और सुनाना चाहें तो जरूर सुनाएं। हम लोग कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, आप जरूर कुछ सुनाएं अपनी पसंद का। एक और छोटी कविता मैं आपको सुनाता हूं। जी गुलजार साहब की ही है। हाँ। हैं, इसका शीर्षक है कविता का मशवरा। जी मशवरा। वो लिखते हैं कि ये शायर जन्म से जो साथ है मेरे, इसी ने चांदनी की रेत भर भर के मेरे सीने में डाली है। ये शायर जन्म से जो साथ है मेरे, इसी ने चांदनी की रेत भर भर के मेरे सीने में डाली है। हमेशा जिंदगी से दर्द चुन चुन कर मेरी आंखों पे मारे हैं। ये शायर जन्म से जो साथ है मेरे, हमेशा जिंदगी से दर्द चुन चुन कर मेरी आंखों पे मारे हैं, हमेशा भींच कर दांतों से छीला है मेरी रूह को। हमेशा भींच कर दांतों से छीला है मेरी रूह को, और इसी ने सांस की जलती खराशों को कुरेदा है।
ये शायर जन्म से जो साथ है मेरे, इसी ने सांस की जलती खराशों को कुरेदा है, उंडेला है मेरे कंधों पे जलता खौलता शोरा, उंडेला है मेरे कंधों पे जलता खौलता शोरा, और यही कहता था मुझको दर्द से पहचान मिलती है। ये शायर जन्म से जो साथ है मेरे, यही कहता था मुझको कि दर्द से पहचान मिलती है। खुद अपने दर्द से घबरा गया है आज ये शायर, खुद अपने दर्द से घबरा गया है आज ये शायर, मुझे कहता है चल आ खुदकुशी कर ले। खुद अपने दर्द से घबरा गया है आज ये शायर, मुझसे कहता है चल आ खुदकुशी कर ले। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तो आपसे विदा लेने का मन न होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन समय की अपनी सीमा है, और मैं एक बार फिर तहे दिल से आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, पूरे क्रेडेंट टीवी परिवार की तरफ से। आपके नए धारावाहिक की लगातार शूटिंग चल रही है इन दिनों, और उन तमाम व्यस्तताओं के मध्य भी हमारे साग्रह पर आप यहाँ आए, हमारे साथ जुड़े और इतना सुंदर वार्तालाप किया। आपकी सहजता के लिए, आपकी सरलता के लिए आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, विनत हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और इस नए धारावाहिक के लिए आपको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद बहुत।